सच बात है, एक बात नहीं है, मैं कई बार दिनों से देख रहा हूँ, कर तो सच काम रहे हैं वो, एक भी रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही ना 15 महीने में। एकमात्र ऐसी पार्टी हिंदुस्तान की है जिसने 15 महीने राज किया और एक भी सरकारी वैकेंसी नहीं निकाली इस देश में, और कोई दूसरी नजीर नहीं मिलेगी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के अलावा। एक भी बेरोजगारी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और घोषणा पत्र में डाल दिया। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी, बेरोजगारों को धोखा देने वाली पार्टी, किसानों को धोखा देने वाली पार्टी कांग्रेस। अब स्वाभाविक रूप से ये तो बोलेंगे। देखिए प्रतिदिन गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम हो रहे, 16 तारीख को 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक, 17 तारीख को दूध फल, और आज किसान को फिर पैसा फिर खाते में, कल फिर, परसों फिर, नरसों फिर, लगातार कड़ी है। ये कहलाता है काम, ये कहलाती है सेवा गरीब की। पूरे 15 महीने में जितने नहीं किए उतने कर दिए हम 7 दिन में, ये काम कहलाता है। अब उन्हें सिर्फ बातें करना है, काम करना ही नहीं। अगर वो ज्यादा हो तो दोनों सक्षम है, वो बोल सकते हैं उनसे, उसमें क्या है। इसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है, अगर हमारे नेता ने अपने नेता से बोला है तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है। देखो ये जो कांग्रेस कर रही है ये डर्टी पॉलिटिक्स है। एक सादा गांव के वातावरण से आई हुई महिला है इमरती देवी, और इसलिए वो इस तरह के बयानों को लेती रहती है, कांग्रेस पकड़ती है, ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है। उनकी सादगी का इस तरह से नहीं लेना चाहिए। राजनीति करना है तो सीधे सीधे करें, किस तरह की राजनीति कर रही है। एक अनुसूचित जाति की महिला है वो, भी क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में किसानों के हित के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये विधेयक किसानों के हित का विधेयक है, किसानों के हित में लाया गया एक ठोस कदम है जो माननीय मोदी जी ने लाया है। और इसलिए कांग्रेस के टाइम में तो आप देखिए पूरे देश के किसानों को आत्महत्या को मजबूर इसलिए होना पड़ा कि इनने नीतियां इस तरह की बनाई जो किसान विरोधी थी, और ये विधेयक किसान हितैषी है। देखो कांग्रेस पे दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है, वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो, बिल्कुल यहां से बमोरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहां तक भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। सर कमलनाथ जी आज 2 दिन के लिए ग्वालियर के दौरे पर हैं और रोड शो करने वाले हैं। अच्छा है, स्वागत है, आए, चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए ये भी बताना चाहिए। बीजेपी ने पूछा भी सवाल, हमारे सवाल का वो कभी जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं और वो कांग्रेस कभी सत्य बोलती नहीं है। देखो मित्रों रोज हम कोरोना से दुखद, अभी आप ही ने चर्चा करी ब्यावरा सीट की, आपने देखा कि डबल संक्रमित हो गए, पुनः संक्रमित हो गए हमारे रीवा के महाराज साहब, पूर्व विधायक कल रमाकांत जी। ऐसे दुखद क्षण में जब सर्वदलीय बैठक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने प्रोटेम स्पीकर जी ने बुलाई थी, उसमें भी आम राय यही आई है सभी दलों की कि कितने कम समय में इसको निपटाया जाए जिससे कम से कम विधानसभा के ऊपर तो ना आए कुछ। उस पर विचार चल रहा है, जैसा भी माननीय अध्यक्ष विधानसभा निर्णय लेंगे वैसा सब मान्य करेंगे। कोरोना भी पहली बार ही आया है, परिस्थिति ऐसी पहली बार बनी है, ये परिस्थिति जन निर्णय है, कोई संवैधानिक निर्णय नहीं है।